नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आप सभी का स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। मध्य प्रदेश सहित देश भर के विभिन्न इलाकों में पत्रकार प्रताड़ना के बढ़ रहे मामले चिंताजनक हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कई वर्षों से पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा की जा रही है, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ध्यान दे रही है और ना ही राज्य सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए चिंतित है। यहाँ तक कि अब अपराधी तत्वों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि पत्रकारों को जिंदा भी जलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शलभ भदौरिया एवं वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष शरण जोशी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की है। भदौरिया तथा जोशी ने बताया कि वरिष्ठ नेता पत्रकार और समाज के ठेकेदारों के गठजोड़ के कारण अब खंडवा में जिलाध्यक्ष देवेश जायसवाल के नेतृत्व में कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुद्रियाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। मच्छरमारा गांव में बाबा मच्छिंद्र नाथ मंदिर पर आयोजित सप्त दिवसीय संत चंडी यज्ञ के छठवें दिन भी कथावाचिका आराधना शास्त्री ने अपने संबोधन में भागवत मानस कथा संगीत में प्रवचन में भक्ति रस की मंदाकिनी प्रभावित करते हुए श्रद्धालुओं के बीच कहा कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब जीव का युग युगांतर काल कालांतर एवं जन्मांतर का पुण्य जागृत होता है तो उसे मानव तन प्राप्त होता है, और अगर जीव इस मानव तन को प्राप्त करके भी ईश्वर की भक्ति ना कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि संसार में मनुष्य अपना वास्तविक लक्ष्य भूल जाता है। मनुष्य वास्तविक लक्ष्य तभी जान पाएगा जब वो संतों के सानिध्य में रहे। बिना संत संग के मनुष्य का विवेक जागृत नहीं हो सकता है। सोनभद्र से अजित कुमार सिंह की रिपोर्ट। जी कहाँ से हैं आप? सोनभद्र में। कहाँ से? रावलगंज। क्या करती हैं आप? यहाँ पे कितने दिन से हैं आप? उपनगर ग्वालियर विधानसभा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह सम्मेलन का आयोजन हजीरा चौराहे स्थित इंटक मैदान में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और वरिष्ठ अतिथि के रूप में सभापति राकेश माहौर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में 7 जोड़ों ने विवाह व निकाह किया। माननीय मंत्री द्वारा संचालित जन कल्याण संघर्ष समिति द्वारा सभी 7 जोड़ों को गैस सिलेंडर, चूल्हा, 4 कुर्सी, 1 टेबल दी गई व मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सभी कन्याओं को 51,000 रुपये के प्रमाण पत्र दिए गए। बाल संप्रेक्षक गृह मुरैना से 3 बाल अपचारी संतरी की आंखों में मिर्ची झोंक कर फरार हो गए। अधीक्षक से जानकारी मिलते ही पुलिस का हमला वहां पहुंच गया। कोतवाली पुलिस ने तीनों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। इनमें से एक बाल अपराधी दूसरी बार फरार हुआ है। मुरैना के बाल संप्रेक्षक गृह में 2 माह के अंतराल में बाल अपराधियों को भिंड से लाया गया। यहाँ इनके मामले विचाराधीन है। इनके ऊपर हत्या के प्रयास व अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। रात को करीब 12 बजे के बाद ये संप्रेषण गृह के अधिकारी नामदेव जी वो और वहाँ पे एक जो अपना कर्मचारी है एसएफ का वो आए थे। उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया जिसमें बताया कि 3 बाल अपचारी हैं जिन्होंने जो संतरी था उसकी आँख में मिर्ची डालकर वो संप्रेषण गृह से फरार हो गए। तो हमने वहाँ पर आज जाके सीसीटीवी फुटेज चेक की है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो 3 लोग हैं, उससे एक ने जो हमारे वहाँ पे जो कर्मचारी है एसएफ का उसकी आँख में मिर्ची डाली है, और उसके बाद 3 लोगों ने उसको साइड में पटकने का प्रयास किया। तो उसने अंदर जाके अपने लोगों से प्रयास भी मदद की प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कुंडी लगा दी थी। तो उस समय उसके बाद उन 3 अपचारियों ने बाल अपचारी जो था ये पहले 307 धारा IPC में उसमें भिंड में के उसमें अपराध पंजीकृत। अब हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।